महामारी के मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। वो सामान्य बजट है, जैसे हर साल रहते हैं, हर गवर्नमेंट बनाती वैसे है, कोई विशेष देखने को मिला नहीं। सिर्फ उसमें नई चीज ये निकली कि रेलवे में क्रांति आ रही है, 400 जो वंदे भारत ट्रेन चालू कर रहे हैं, इससे जो सफ़र है वो काफ़ी कम समय में पूरा होगा और काफ़ी आरामदायक रहेगा, और जिससे जो एयर की सुविधाएँ हैं, जो लोग ज़्यादा बेनिफिट एयर का लेते हैं वो कम होगा कुछ। और जो दूसरी चीज़ है कि जो बजट में जो दिया गया है वो किसानों के लिए जो MSP पे 2,07,000 करोड़ रुपए दिया गया वो बढ़ा के दिया है, किसानों को खुश करने के लिए दिया गया है। लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए हर मीडियम क्लास का आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, और हेल्थ इंश्योरेंस की जो है प्रीमियम वो जैसे जैसे उम्र जा तो इंश्योरेंस की सुविधा जो है वो सीनियर सिटीजन की बढ़ते रहता है। उस पर जो गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट देना है उस पर 18% गवर्नमेंट GST लेती है, जो नहीं लेना चाहिए, फ्री में सभी को सब यानी कि करवाना चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।